हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर. सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक. यस, न्यू चैप्टर आपका 15 है. नेम ऑफ मंथ. मंथ मतलब महीना और नेम मतलब नाम. महीनों के नाम, महीनों के नाम और सारे महीने मिलके क्या बनाते हैं? एक साल. अ ईयर, एक साल. ठीक है बच्चों. देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. Namely, there are 12 months in a year. Namely, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं जिसके नाम है January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, let us learn more about them like weeks and days in each of them. अब हम जो है इस चैप्टर के अंदर महीनों के नाम के बारे में जानेंगे. ठीक है, जैसे कि हमने वीक्स के बारे में समझा था, दिनों के बारे में समझा था. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ये टीचर और स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन है, तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है और ये आंसर बनाना है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर. ठीक है, हाउ मेनी क्या होता है? कितने, है ना? आपको अच्छे से बताया था. हाउ मेनी क्या होता है? कितने. ठीक है, मंथ. अब यहाँ एस लगा तो बच्चों मंथ्स होता है महीने. ठीक है, और खाली मंथ होता तो महीना. तो महीने और ईयर मतलब क्या होता है? वर्ष या साल. ठीक है, वर्ष. तो एक साल में कितने महीने होते हैं? ठीक है, तो आंसर होगा देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. एक वर्ष में 12 महीने होते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन. विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. विच मतलब कौन सा, विच मीन्स कौन सा. ठीक है, विच मीन्स कौन सा. फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मतलब पहला. ठीक है, मंथ मतलब महीना ऑफ द ईयर. और ईयर का मैंने क्या बताया था आपको, वर्ष होता है ना. तो वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? ठीक है, तो आंसर में जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन डालोगे आप. हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ. हाउ मेनी कितने वीक्स सप्ताह. देयर इन अ मंथ, मंथ मतलब महीना. ठीक है ना, तो अ मैंने बताया था ना, अ मंथ होता है, अ मतलब एक. तो एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ. एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं. 4 मीन्स 4, वीक्स सप्ताह. तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच इज द मंथ विथ द लीस्ट नंबर ऑफ डेज. ठीक है, विच मीन्स कौन सा. द मंथ महीना, नंबर ऑफ द डेज, लीस्ट मतलब सबसे कम, नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या. ठीक है ना, तो किस माह में सबसे कम दिन होते हैं? ठीक है, लिस्ट मतलब कम. ठीक है, तो किस माह में सबसे कम दिन होते हैं? ठीक है, तो आंसर में लिखना है फरवरी इज द मंथ विद द लिस्ट नंबर ऑफ डेज. फरवरी माह में सबसे कम दिन होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन. विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. विच मतलब कौन सा, और मंथ लास्ट मतलब आखिरी. लास्ट मीन्स आखिरी. मंथ ऑफ द ईयर, वर्ष का आखिरी महीना कौन सा होता है? ठीक है ना, तो अभी बच्चों कौन सा मंथ चल रहा है आपको पता है ना, कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर चल रहा है. तो मंथ का कौन सा, ये ईयर का कौन सा मंथ हुआ अपना? लास्ट मंथ ही हुआ. ठीक है ना, तो आंसर में आएगा आपका दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. ठीक है ना, वर्ष का आखिरी महीना आपका दिसंबर होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मंथ हैव 30 डेज.
विच मतलब विच मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा या किन, ठीक है ना। तो विच मंथ हैव 30 days, 30 मीन्स 30 days दिन, ठीक है ना। तो किन महीनों में 30 दिन होते हैं या कौन से महीने में, विच मतलब किन भी होता है और कौन से भी होते हैं, ठीक है ना। तो कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपको महीनों के नाम, जैसे कि आपके 12 मंथ है उनमें, उन महीनों में जिन दिनों में 30 डेज आते हैं उन महीनों को आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे आंसर दिया स्टूडेंट्स ने अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज ईच, ठीक है ना। अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आपको ये पैसन 15 समझ में आ गया अच्छे से, ओके। अब क्या करना है बच्चों, इनको आपको होमवर्क में तो करना ही है, इसके अलावा आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपको 1 to 5 अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन भी आप लर्न करोगे प्लस आपको आंसर भी साथ में लर्न करना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपकी स्पोकन क्लास है, आपको इसमें स्पीक करना है, बोलना है और कम्युनिकेशन करना है। तो आप ये जो प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने जो अपने जो बड़े दीदी हैं या अपने जो पेरेंट्स हैं तो उनके साथ आप क्वेश्चन करोगे और आंसर भी आप दोगे, ठीक है। रीडिंग करना मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने अच्छे से बता दिया कैसे आपको पढ़ना और याद करना है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू फर्स्ट क्लास।